पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से मेरे डोडा के माताओं बहनों को और भाइयों को आदाब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उसी के साथ साथ मैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ इस बात की देता हूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस थी सोशल डिस्टेंसिंग की और बाहर नहीं निकलने की, आज तक का हमारा जो लॉकडाउन पीरियड टोटल रहा है उसमें आपने सभी ने जो सहयोग एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है, पुलिस को दिया है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है, उन सभी की तरफ से मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज तक हमारे ज़िले में फ़िलहाल कोई भी कोरोना का या फिर कोविड-19 का जो पेशेंट है वो पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए किसी भी आसपास पे आपको विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं है। एक भी पेशेंट आज तक पॉजिटिव नहीं पाया गया है। 29 टेस्ट हमने आज तक डोडा में लिए हुए हैं, वो सारे 29 टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं। कल ही हमने तकरीबन 12 टेस्ट लिए थे, वो सारे टेस्ट जो है नेगेटिव आए हुए हैं। तो इसी चीज़ के लिए मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं सारे मेरे भाइयों और बहनों को ये भी बताता चलूँ कि जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन पीरियड है, इसमें हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर हमारा पूरी तरीके से तैयार है, आप जानते हैं इसके नंबर्स वाइडली सर्कुलेटेड हैं। आपको जिसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो सप्लाईज़ की ज़रूरत है, चाहे आपको किसी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, चाहे आपको ग्रोसरीज़ की कोई ज़रूरत है, तो आप उसमें जो है आपकी ग्रीवेंसेस जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपने अपने लोकल स्टाफ कंसर्न BDOs जो हमारे हैं सारे डिस्ट्रिक्ट के, उनको हमने नोडल ऑफिसर बना के रखा हुआ है इस सप्लाई चेन के लिए, चाहे वो प्राइवेट सप्लाई चेन है, चाहे वो PDS का रिव्यू है, चाहे वो मिड डे मील है, उन सब के लिए आप आपके BDOs आपके नोडल ऑफिसर हैं, इनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में भी डायरेक्टली आपका ग्रीवियंस जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। सर, तहसील लेवल पे जो है क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, कि लोगों की भी काफ़ी डिमांड है कि तहसील लेवल पे सर ये क्वारंटाइन सेंटर होने का जी, उसके लिए सर हमने एक्चुअली आज ये जो आप कह रहे हैं तहसील लेवल का क्वारंटाइन सेंटर, उसके लिए ऑलरेडी एक हफ्ते भर पहले हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग की थी, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि हर तहसील लेवल पे हम कैपेसिटी बिल्डिंग करके रखेंगे हर तहसील पे 200-200 लेवल की क्वारंटाइन की। लेकिन आज फिलहाल हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 2880 की क्वारंटाइन फैसिलिटी तैयार है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिवीजन लेवल्स पे। तो हमने ये कॉल लिया है कि जब तक ये कैपेसिटी एक रीजनेबल लेवल तक जब तक हम ऑक्यूपाई नहीं कर लेते, तब तक रिसोर्सेज जो है वो आगे हम अभी इमीडिएटली करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम डिसाइड करेंगे 48 घंटे के अंदर जो है वो क्वारंटाइन फैसिलिटीज जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो तैयार। अच्छा, राशन को लेकर भी काफ़ी शार्टेज आ रही है फार फ्लंग एरियाज में। अगर देखा जाए डोडा की जो डिमांड थी 45 ट्रकों की भी यहाँ पे डिमांड्स थी, उसमें से जो 15 ट्रक्स जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो डंप था वो यहाँ पे यहाँ से डिस्पैच हुआ है, 30 की जो और शॉर्टेज है, तो उसके लिए सर ये मैं बताता चलो आपको, जो राशन की सारी जो हमारी चेन है इसमें 3-4 कड़ियाँ हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्राइवेट सप्लाईज़ की है। प्राइवेट सप्लाईज़ के लिए हम पूरी तरह से इंश्योर कर रहे हैं, जहाँ पे टाउन कमिटीज़ हैं वहाँ पे हमने काउंसिलर्स को ऑन बोर्ड लिया है, जहाँ पे रूरल एरियाज हैं वहाँ पे BDC मेंबर्स, इनके सजेशंस के ऊपर और इनके एक जनरल फील्ड लेवल के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमने जो लोकल होलसेलर्स थे उनको परमिशन दे दिए गए हैं। इसके अलावा भी जो हमारी ऑनलाइन मैकेनिज्म में जो एडिशनल कुछ लोग चाहते हैं, कुछ रिटेलर्स चाहते हैं, कुछ होलसेलर्स चाहते हैं जो गाड़ियों की परमिशन देना, उनको भी दे रहे हैं। एक बात को ये समझना है कि रिटेलर्स को हम हर रिटेलर को जो है वो व्हीकल परमिशन इशू नहीं कर पा रहे हैं, होलसेलर्स को हम लोग दे रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा होलसेलर्स को कि आगे आए, आप ही आगे आए और इन सारी चीज़ों को फॉर्मुलेट करवा के लिए। जो PDS का हमारा राशन है, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लाई चेन है, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन हफ्ते भर पहले जो है वो PDS का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरा शुरू हुआ है। आज तक हमारा 60% से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो एडवांस राशन देना है 2 महीने का वो कंप्लीट हो चुका है। अभी भी इसमें जो है 40-45% डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है, लेकिन आने वाली 17 तारीख तक मैं आपको बताता चलूँ ये राशन 100% डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करने की ऑब्लिगेशन है, किसी भी हालत में कंप्लीट होना है। अगर किसी तहसील में ये नहीं होता है तो उस कंसर्न TSO के खिलाफ जो है सख्त से कार्रवाई की जाएगी। वो काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, डिस्ट्रीब्यूशन 17 तक पूरा हो जाएगा। रही बात मिड डे मील प्रोग्राम की, हमारी मिड डे मील का फर्स्ट लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा 100% मुकम्मल हुआ था। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी मिड डे मील का जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें 30-40% डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, वो भी आने वाले हफ्ते से 10 दिन में 100% कंप्लीट हो जाएगा। जाहिर सी बात है आप लोग समझ सकते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में ये हो सकता है कि जितनी आसानी से पहले चीज़ें मिलती थी उतनी आसानी से शायद ना मिले, उसके लिए लेट हो जाए 2-4-5 घंटा। इसीलिए हमने ये हेल्पलाइन खोल के रखी हुई है। प्लीज़ जो है आप अपने अपने लोकल अथॉरिटीज से भी कॉन्टैक्ट रखें,
और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी फीडबैक इसके बारे में देते हैं। सर जो मिड डे मील भी जो है पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है बच्चों तक, हालांकि ऑर्डर निकाला गया था ये कि मिड डे मील जो स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको घर घर पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी तक भी पूरा नहीं ऐसे जर्नलिस्ट आपके जो ये मैं समझता हूँ कि स्पेसिफिसिटीज के साथ अगर आप बताएंगे तो मैं ज़्यादा तरीके से बता पाऊँगा कौन सा स्कूल कौन सा तहसील, ऐसी कोई रिपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है, अगर आती भी है तो उसको स्ट्रिक्टली डील किया। सर बलेसा के लोग खास करके मतलब फेयरलांग एरिया से वो तल्लुक रखते हैं, वहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं सर, वो चाहते हैं कि अगर आज नरेगा की उनकी या पेमेंट जो उन्होंने काम किया है पेंडिंग जो है अगर वो उनको मिल जाए तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इसकी ऑलरेडी डायरेक्शंस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ चुके हैं, रूरल डेवलपमेंट की तरफ से आ चुके हैं, जो भी पेंडिंग एफटीओ वगैरह जनरेट करना है उसके लिए रूरल डेवलपमेंट स्टाफ जो है वो वॉर फूटिंग पर ऑलरेडी काम कर रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो है उसमें कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा लोगों को, वो जनरली जो पेमेंट जो है वो आ जाएगा। सर बहुत सारे जो लोग हैं गांव के हैं वो यहाँ पे स्टक हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं, वो जाना चाहते हैं वहाँ पर, तो उनके लिए कुछ इंतजाम किया है? मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन हमारे पास आज 700 के आसपास ऐसे लेबरर्स हैं अलग अलग इलाकों में कि जो बाहरी स्टेट से भी हैं, बाहर स्टेट जो हमारी JNK की बाहरी एरिया से भी अलग ज़िलों से भी हैं, उनका सबका कोऑर्डिनेशन हम यहाँ पे हमने रखा हुआ है, हर एक का डेटाबेस हमारे पास है। उनको जो भी राशन सप्लाई करना है उसके लिए नोडल ऑफिसर CEO BDA जो है राजेंद्र खजूरिया जी, वो नोडल ऑफिसर इसके हैं, वो सिर्फ इसी काम को देखते हैं। अगर कोई ग्रुप्स ऑलरेडी हमारे पास में, मैंने जैसे आपको बताया कि 700 से ऊपर लोग जो है उनको राशन हमने सप्लाई कर दिया है, अगर ऐसे कोई और भी है जो बहुत ही डेस्टिट्यूट है जो फंसे हुए हैं यहाँ पे, उनको यहीं पे ख्याल रखा जाएगा, लेकिन उनको बाहर भेजने का अभी तक डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रैवल ही हमें इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ही अभी फिलहाल रोकना है। सर नहीं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो यहाँ पे रेंट पे रहते हैं जो गांव के लोग हैं वो अपने गांव में वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं अभी लॉकडाउन कितने देर हो जाएगा, तो वो अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे कोई केस टू केस बेसिस पे अगर होंगी इंटर डिस्ट्रिक्ट की, तो केस टू केस बेसिस पे इमरजेंसी लेवल पे इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। आप प्लीज़ ऐसे कोई केसेज अगर होंगे तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन। सर कुछ लोग अभी भी बाहर स्टेट में फंसे हुए हैं लेबर्स, लेकिन अभी तक भी इंतजामिया का कोई भी उनके पास नहीं पहुंचा, हालांकि उनने CEO BDA से बात की, उनने खाली एश्योरेंस दिया है कि आपके आपका नहीं, ये भी आपका डेटा गलत है, आप प्लीज आपके फैक्ट्स वेरीफाई कीजिए। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास, मुझे रिप्लाई करने दीजिए, हमारे पास ऑलरेडी जो है वो हिमाचल प्रदेश से, उसके बाद में उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में पर्सनली मैंने उन लेबर से बात की, उनको ऑलरेडी ऑल सप्लाईज है, आप एक बार उनसे खुद टच कर लीजिएगा। वेस्ट बंगाल में हमने रिप्लाई किया, तकरीबन आज तक हमारे पास में मोर देन 400 लेबरर्स जो है जिनको कॉन्टैक्ट कर दिया है, और रिस्पेक्टिव जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, मैंने खुद जो है वो DC शिमला से बात की हुई थी, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इनका ख्याल रख रही है, राशन जो है प्रोविजन करना उस रिस्पेक्टिव स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टेट्स जो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अपना काम जो है बखूबी निभा रहे हैं। सर लैंड डोनेटर और जो डेली वेजर सर, इनकी भी डिमांड्स कुछ सामने आई है कि हमारी वेजेस भी अगर इस टाइम पे हमें मिले तो हम भी अपने, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे डेली वेजर की जो वेजेस है? मुझे लगता है कि जो आप नरेगा की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं सर, डेली वेजर जो PHE डिपार्टमेंट में जो लगे हैं या लैंड डोनेटर हैं सर। हाँ, मुझे लगता है कि वो डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट को उसके बारे में कॉल जो है वो जल्द से लिया जाएगा, अभी मेरे पास उसका डेटा नहीं है तो मैं कॉमेंट करना मुनासिब नहीं समझता। सर मेडिकल जो स्टाफ आपने एक्स्ट्रा लगाया था किसी भी जगह पे या डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारी जगहों पे कंप्लेंट्स आ रही है कि वहाँ पे वो स्टाफ पहुँच नहीं पा रहा है, वहाँ पे PHE में सफाई नहीं हो रही है, उन लोगों तक अवेयरनेस नहीं जा रही है उन तक, तो उनके लिए इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलरेडी क्योंकि इमरजेंसी है तो इसके साथ कई सारा स्टाफ जो है वो रूरल एरिया से हमने क्वारंटाइन सेंटर्स पे ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, उनको एडिशनल ड्यूटीज दी गई हैं, तो ये क्वाइट पॉसिबल कि हमारे जो कुछ एरियाज हैं, कुछ सब सेंटर्स हैं वहाँ पे स्टाफ आधा हो गया होगा, लेकिन उसके लिए जो एम्बुलेंस सर्विस भी गवर्नमेंट की तरफ से है वो एम्बुलेंस सर्विस हमारी काम कर रही है। एम्बुलेंस सर्विस पे कोई भी अगर इमरजेंसीज होगी तो उसके बारे में आप इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें, या आपके कंसर्न PHE जो है PHE लेवल पे हमने जो है वो स्ट्रेंथनिंग ऑलरेडी रखा हुआ है जो CHC लेवल जो है वो, तो वहाँ पे भी आप उसके बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो आप ये घड़ी जानते हैं कि जिसमें स्टाफ हमें कुछ ना कुछ जो है वो सर्विलियंस पे लगाना पड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे इश्यूज आएंगे, लेकिन कोई भी इमरजेंसी केस है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, पर्सनली उसमें इंटरवेंशन जो है वो जाएगा। सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी तक मतलब किस तरह की फैसिलिटी है, किन पेशेंट्स को एलोट किया जा रहा है वहाँ पे आने के लिए? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी हमारी जो है वो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स चल रही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो क्वारंटाइन वार्ड्स जो है इस्टेब्लिश्ड है वो अलग तरीके से हमने बनाए हुए हैं, जो आइसोलेशन जो कोविड-19 को डील करने के लिए है,
तो आज क्योंकि हमारे पास में कोई भी एक्टिव पेशेंट नहीं है, इसलिए कोविड 19 के सारे पेशेंट्स जो है या फिर जो टेस्टिंग वेस्टिंग लेना है वो वहीं हॉस्पिटल में है। इसके बारे में आगे अगर जो भी डायरेक्शंस होगी हेल्थ डिपार्टमेंट जेके की तरफ से, उसके बारे में आगे का निर्णय जो है वो लिया जाएगा, लेकिन आज फिलहाल सारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहे हैं। सर, ये अभी तक क्वारंटाइन में और फिलहाल मैं बताता चलूँ कि आज जो प्रेजेंट रियल टाइम हमारा फिगर है 149 लोग जो है वो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में हैं। कुछ लोगों ने अपना क्वारंटाइन पीरियड खत्म कर चुका है, तो होम सर्विलेंस पे वो लोग ऑलरेडी रखे हुए हैं अलग अलग। टोटल आज तक जो है वो 1000 के आसपास पासेज जो दिए हैं, लेकिन उसमें चारों कैटेगरीज है, एसेंशियल कैटेगरी भी है, उसमें डॉक्टर्स को भी पासेज हैं, तो टोटल कुल मिला के 1000। ये सारी आपकी सोशल सर्विस के लिए आपको ये पासेस दिए गए हैं, गवर्नमेंट सर्विस के लिए दिए गए हैं, तो कृपया इन पासेस का इस्तेमाल सिर्फ गवर्नमेंट ड्यूटीज के लिए करें, अपने पर्सनल जो है बेनिफिट्स के लिए या फिर बाहर निकलने के लिए इस पासेस का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी अगर आप पासेस का गलत इस्तेमाल करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स और ऑब्लिगेशंस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सभी आते हैं, आपको भी इसका जो है काबंद रखना। सर, फेक पासेस हमने कुछ देखे यहाँ पे, मतलब जिस पे आपका साइन भी नहीं है, जिसके पास गाड़ी का नंबर भी नहीं था, हमारे पासेस पूरे, तो ऐसे प्रोड्यूस कीजिए, इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च कर दिया जाएगा, ये बहुत सीरियस चीज़ है, अगर ऐसे नज़र में आ जाएगी तो उसमें कार्रवाई लाजमी है। सर, फ्री राशन का ऐलान किया गया था, तो वो कब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? वो ऑलरेडी शुरू है राशन में, मैंने आपको वही बताया कि 60% के आसपास सीएपीडी का राशन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 100% लिफ्टिंग हमारा हो चुका है, 17 तारीख तक ये डिस्ट्रीब्यूशन 100% कम्प्लीट करेंगे। सर, अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर 21 डेज का जो लॉकडाउन था, 14 के बाद जो लॉकडाउन है ऑफ हो रहा है, तो कुछ दिन दिए जाएंगे, जैसे 4-5 दिन है उनको दिए जाएंगे, जहाँ उन्हें जाना होगा वहाँ वो जा सकते हैं। इस बात की कुछ लोग जो है वो एक सोशल मीडिया पे जो है अफवाह फैला रहे हैं, तो इसके बारे में क्या? नहीं, ऐसी कोई अफवाह, मैं आपको बताऊँ कि ऐसी कोई अफवाह मत फैलाइएगा। ये कॉल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जेके ने लेना है, वो कॉल लेने के बाद में आप सभी को इन्फॉर्मेशन के माध्यम से पता चल जाएगा, इसीलिए ऐसी कोई भी रिमर अभी तक आप नहीं फैलाएं, क्योंकि जब ऐसा कोई डिसीजन होगा तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और जीके इन्फॉर्मेशन की तरफ से पहले पता चलेगा। सर, वायलेशन पे कितनी एफआईआर्स लगी हैं और कितनी गाड़ियां जो है सीज़? वो एग्जैक्ट डेटा जो है वो मैं समझता हूँ कि आप पुलिस से ले लीजिएगा, लेकिन जितना मेरे नॉलेज में है कुछ 4-5 एफआईआर जो है वो जनरल वायलेशन पे वगैरह हुई है, और कुछ मुझे लगता है कि 8-9 व्हीकल्स पे जो है वो कानूनी कार्रवाई जारी। थैंक यू।